Fuzzy Tales. हर शाम को सारे फ्रेंड्स के साथ बस एक शॉप में मिल करने बाद इन कहानियों में है सिंड्रेला और विज़र्ड पर ये सब तो है रैबिट डॉग और लिज़र्ड है Fuzzy Tales. किसकी आवाज सबसे बड़ी है? मुझे लगता है कि मेरा क्रैकिंग नहीं, मेरी स्क्रैकिंग। सबसे बड़ा पेट ही सबसे बड़ा आवाज कर सकता है, और क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ तो जाहिर है कि सबसे बड़ी आवाज मेरी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सबसे बड़े पेट की आवाज ही सबसे बड़ी होती है। निबल, क्या मतलब है तुम्हारा गौधी? मुझे ऐसे 3 फज की टीयर्स पता है जो हमें इसके बारे में बता सकते हैं। आज की फजी टेल का नाम है दी 3 फर्स्किटियर्स एंड द लायन। इसमें निबल्स, बिला और जीनियस बॉब बनेंगे 3 फर्स्किटियर्स, डिलबर्ट होगा राजा और सारे चूहे बनेंगे गांव वाले। कभी किसी समय 3 फर्स्किटियर्स हुआ करते थे। वो राजा के सारे सिपाहियों में सबसे ताकतवर, बहादुर और होशियार थे। एक दिन राजा ने उन्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया। मेरे बहादुर फर्स्किटियर्स, तुम्हारे राज्य को तुम्हारी जरूरत है। छोटे चूहों के गांव पर मुसीबत आ गई है। क्या हुआ योर हाइनेस? एक शेर है। क्या आपने कहा एक शेर? वो एक गुफा में है और पूरा दिन जोरों से दहाड़ रहा है। पूरा गांव डरा हुआ है। इस समस्या को सुलझाएंगे 3 फर्स्किटियर्स। याद रहे, हमारा मोटो है ऑल फॉर वन And one for all. और इस सोच के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तीनों बहादुर फर्स्किटियर्स निकल पड़े और गांव में पहुंचते ही उनके कानों पर पड़ी दहाड़ने की आवाज जो गुफा से आ रही थी। निबल्स का पेट खाली हो तब वो भी ऐसी ही आवाज करता है। नहीं, ये आवाज तो स्वीट डिश ना मिलने की है। फर्स्किटियर्स, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। उस शेर की वजह से कोई भी घर से बाहर छोटे दोस्त, उम्मीद है तुम कर सकते हो फर्स्किटियर्स। इस तरह तीनों फर्स्किटियर्स गुफा में जाने लगे। जैसे जैसे वो पास आ रहे थे दहाड़ने की आवाज बढ़ती गई। बिला, सबसे पहले तुम जाओ क्योंकि तुम सबसे बहादुर हो। पर जब वो गुफा के अंदर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ कोई शेर नहीं था, एक फजी किटन था। इतनी छोटी सी किटन इतना बड़ा आवाज कैसे कर सकती है? लगता है हम एक को सुन रहे हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था लेकिन कभी सुना नहीं था। एको क्या होता है? ये एको क्या होता है गाटी, बताओ? असल में जब किटन म्याऊ करता तब उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकरा कर और बड़ी, लंबी और खूंखार हो जाती। बहुत अच्छे से समझा गाटी। क्या तुम्हें लगता है कि किटन डर गया है? मुझे देखने दो, सड़े गाजर, इसके पंजे में तो कांटा घुस गया है। ओह नो, अब हम क्या करें? निबल्स, तुम सबसे शक्तिशाली हो, तुम इसे निकालो। मैं शक्तिशाली तो हूँ लेकिन मेरे पंजे कांटा निकालने के लिए बहुत ही बड़े हैं। ये मुश्किल सबसे बहादुर, सबसे शक्तिशाली या सबसे होशियार से हल नहीं होगी। इसके लिए चाहिए सबसे छोटा एनिमल। और वो पहुँचे सबसे छोटे एनिमल से मदद मांगने। पर गांव के सारे चूहे घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। तुम्हें जैसे हमारी मदद की जरूरत थी वैसे ही उस किटन को तुम्हारी जरूरत है। अचानक सबसे छोटा चूहा बाहर निकला। मैं करूंगा। इस तरह उस बहादुर चूहे ने किटन के पंजे से कांटा निकाला। ये तो राजा दिलबच है। फर्स्किटियर्स, तुमने फिर एक बार इस राज्य को मुश्किल से बचाया है। फैंटास्टिक। इस बार हमने नहीं बल्कि इस छोटे बहादुर चूहे ने मुश्किल हल की है। ब्रावो मेरे छोटे हीरो, क्या तुम मेरे रॉयल गार्ड्स में भर्ती होना चाहोगे? सच में? मैं? इसे कहते हैं एक परफेक्ट एंडिंग। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। हाँ, तुम ठीक कह रही थी। हमेशा सबसे बड़ा एनिमल ही सबसे बड़ा आवाज करे ये जरूरी नहीं है। शायद सबसे बड़ा एनिमल ही सबसे छोटी आवाज कर सकता है। स्क्रैक। स्क्रैक।
back. Sorry. Fuzzy, हर शाम को सारे फ्रेंड्स के साथ फजी के शॉप में मिल करने बाद इन कहानियों में है सिंड्रेला और विज़ार्ड पर ये सब तो है रैबिट डॉग और लिज़ार्ड है फजी टेल्स। ओह गर्टी, मुझे हमेशा लगता है कि हर वक्त फजी टेल स्टोरीज का हो। मुझे भी बनाट, पर अच्छी चीजें भी बहुत ज्यादा हो तो नुकसान हो सकता है। जैसे समरसॉल्ट्स, वो तो ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी क्या है गर्टी? आज की फजी टेल का नाम है अलादीन्स विश, और इसमें निबल्स होगा अलादीन, बर्नार्ड होगा जीनी, वो बनेगा सॉर्सरर, और बाकी सब बनेंगे गांव वाले। सब तैयार हैं? चलो शुरू करें। कभी किसी समय एक सुंदर गांव में बहुत बहुत दूर थी एक विशिंग वेल, जो सबकी सारी इच्छाएं पूरी करती थी। लेकिन एक दिन वेल सूख गई और सबको लगने लगा कि अब विशेस पूरी नहीं होंगी। पर ये भी बदलने वाला था एक छोटे पप्पी की वजह से, जिसका नाम था अलादीन। तुम्हारा दिन बहुत ही शुभ हो अलादीन। शुक्रिया, मैं आशा करता हूँ कि आपकी विश पूरी हो। अलादीन को पता था कि विशिंग बेल के सिवाय भी विशेस पूरी हो सकती थी, उसे बस ये नहीं पता था कि बाकी लोगों को ये कैसे दिखाया जाए। इसीलिए अलादीन पहुँचा गांव के सॉर्सरर के पास सलाह मांगने। क्या तुम वही हो जिसे सब अलादीन कहते हैं? हाँ, मैं ही हूँ अलादीन, कॉलर पे भी वही लिखा है। तो ध्यान से सुनो, हमारे पूर्वज कहते थे कि इस गांव में कहीं पर जीनी का लैंप छिपा है। ओह, जीनी तो विशेष पूरी करते हैं, पर आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया है। तो उसे बहुत ही खुफिया जगह पर छिपाया होगा, और इसलिए अलादीन तुम्हें उस जीनी के लैंप को ढूंढना है और सबके विशेष पूरे करने हैं। पर मैं ही क्यों? क्योंकि पूरे गांव में तुम ही सबसे अच्छे खुदाई करने वाले हो, और बस तुम ही उसे ढूंढ सकते हो। दूसरे ही दिन अलादीन ने खुदाई शुरू की। मुझे ही मिलेगा जीनी का लैंप। खोदा, थोड़ा और खोदा। शायद जीनी का लैंप सिर्फ एक कहानी है। लेकिन आखिर उसे मिल ही गया वो लैंप। हेलो जीनी, तुम्हें लैंप को रब करना होगा अलादीन। अरे हाँ, शुक्रिया। अलादीन ने लैंप को रब किया और अचानक एक जादुई जीनी प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या बात है? पर एक छोटी सी परेशानी थी। परेशानी? जीनी अलादीन की सिर्फ 3 विशेस पूरी कर सकता था। पर 3 विशेस तो बहुत ही कम है। काश मैं जीनी होता, तब मैं जितने चाहे विशेस दे सकता। ये विश तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सच हो चुकी है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक अलादीन नाम का पपी हूँ, मेरे कॉलर पे भी वही लिखा है, देखो। राज की बात तो ये है कि विशेष को पूरा करने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती। सच में? पर कैसे? सबसे अच्छा बर्ताव करो, सबकी मदद करो, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जीनी बनना कितना आसान है। अलादीन ने जीनी की बात पर बहुत विचार किया और तय किया कि वो गांव जाकर खुद देखेगा। याद रखो अलादीन, हम सब के अंदर एक जीनी होता है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है। ओ अलादीन, देखो कितना सुहाना दिन है। काश मेरे पास एक पतंग होती उड़ाने के लिए, फिर तो ये दिन परफेक्ट हो जाता। लेकिन तुम्हें तो पता है, अब विशेस पूरी नहीं होती। विला, जो हुकुम मेरे आका। असल में मेरे घर पर एक सुंदर सी पतंग है, क्या तुम उसे उड़ाना चाहोगी विला? अलादीन, तुमने तो मेरी विश पूरी कर दी। ये सच में काम करता है। कुछ ही देर में पूरा गांव जीनी की सलाह पर चलने लगा। आई विश मुझे ट्यूबा बजाना आता, उसकी आवाज कितनी सुरीली होती है। क्वाक क्वाक। जो हुकुम मेरे आका, मैं तुम्हें सिखा दूंगा जो मुझे आता है। सब अलादीन की वजह से। ओ सच में, मेरे अंदर एक जीनी था, बस मुझे उसे बाहर निकालना था। क्योंकि हम सब में एक जीनी है, इसलिए हम सबको उड़ने वाले कालीन की सैर करनी चाहिए। हाँ, मजा आएगा। उड़ते कालीन की उड़ान, 3, 2, 1।